फाइन एंड टेकिंगयर ऑफ सिर्फ स्टे होम स्टे सेफ नॉ चिले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज टू ऑफ यूर बुक सो दिस इज एक्सरसाइज वन पॉइंट टू एंड क्वेश्चन नंबर वन राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म अब देखिए इससे क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है कैसे लिखेंगे मैम आपको कॉपी में एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर वन अब देख रहे हैं सारा डिजिट लिखा हुआ है सेवेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट अब सारे डिजिट को आपको क्या करना है अलग अलग करके लिखना है उसे एक्सपैंड फॉर्म कहा जाता है जैसे सेवन को क्या करेंगे सेवेंटी थाउजेंड वन को वन थाउजेंड फोर को फोर हंड्रेड टू को ट्वेंटी प्लस एट मीन्स कि ये डिजिट देखना है इसके बाद आपका कितना डिजिट बच रहा सेवन को जैसे हम ले लिए उसके बाद कितना डिजिट बच रहा फोर वन टू थ्री फोर मैंने फ़ोर ज़ीरो लगाया है प्लस वन वन लिखे वन के बाद कितना डिजिट बचा वन टू थ्री थ्री डिजिट ज़ीरो लग, लगाया मैंने प्लस फोर फोर लिखा है मैंने फ़ोर के बाद कितना डिजिट बचता है दो वन टू तो टू ज़ीरो मैंने लगाया प्लस टू टू के बाद कितना डिजिट बच रहा है वन तो वन ज़ीरो प्लस एट एट के बाद कोई डिजिट नहीं है वो आपका कंप्लीट हो गया नेक्स्ट वैसे ही लिखना है सिक्सटी थाउजेंड थ्री थाउजेंड प्लस नाइन हंड्रेड प्लस सेवन अब आप कैसे करोगे सिक्स लेना है सिक्स के बाद कितना डिजिट बच रहा है उतना ज़ीरो आपको लगाना है वन टू थ्री फोर फोर ज़ीरो मैम ने लगाया वन टू थ्री फोर प्लस थ्री थ्री के बाद कितना डिजिट बच रहा है वन टू थ्री तो थ्री ज़ीरो मैम ने लगाया प्लस नाइन नाइन के बाद कितना डिजिट बचता है टू वन टू टू डिजिट मैंने टू ज़ीरो लगाया है प्लस जीरो ज़ीरो के बाद आपका कोई डिजिट कोई जीरो नहीं लगेगा डायरेक्ट आप सेवन लिखोगे सेम सीरियल वाइज़ आपको ए टू एच कंप्लीट करना है जैसा मैम ने कॉपी में कंप्लीट करा है वैसे ही आपको कॉपी में कंप्लीट करना है ओके चिल्ड्रन नो क्वेश्चन नंबर टू अब क्वेश्चन नंबर टू हम लोग देखेंगे राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्या करेंगे हम लोग इस इन सारे जितने भी नंबर्स है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जितने भी डिज उसका फर्स्ट डिजिट हम लोग लेंगे जैसे यहाँ पे है एट तो हम इज़ इक्वल टू देखें एट प्लस सेवन सेवन थ्री फोर एट एंड टू ऐसे मैम ने कॉपी में कंप्लीट कराया देखिए जैसे एट लिए हैं एट के बाद कितना बचा आपका सेवेंटी थ्री सेवेंटी थ्री इज इक्वल कॉमा फोर एट टू अब सारे डिजिट को मतलब स्टार्टिंग जो डिजिट होता है उसको लेने के बाद हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ऐसे ए बी सी डी ई आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है ओके नौ क्वेश्चन नंबर थ्री पुट द करेक्ट साइन अब साइन आपको भरना है जैसे कि यहाँ पे लिखा फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी वन फाइव थाउजेंड वन एट हंड्रेड एंड सिक्सटीन अब इन दोनों में से जो बड़ा डिजिट है हम उसे साइन को उस साइड मूव करेंगे तो जैसा कि मैम ने यहाँ मूव किया जो बड़ा डिज़िट है उस साइड मैम ने मूव किया है नेक्स्ट आपका वैसे ही होगा ए बी सी डी ई आप एफ तक पूरा कंप्लीट करोगे कॉपी में क्वेश्चन नंबर फोर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर अब हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे मीन जो छोटा डिजिट है उसे पहले लिखेंगे और बड़े डिजिट को सबसे लास्ट में लिखेंगे तो मैम ने यहाँ पर लिखा है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एटी वन थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी वन फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एटी थ्री टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी सेवन थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर अब इसे मैम ने देखे जो सबसे छोटा डिजिट था मैम ने सबसे पहले उसे लिखा टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी सेवन थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी फोर थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी वन फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एटी थ्री एंड फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एटी वन ऐसे ही कंप्लीट करना है आपको अपने कॉपी में ए बी सी डी ई अब आपको एक्सरसाइज वन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर ए टू वन टू फोर आपको कापी में कंप्लीट कर, करना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन जो है वो मैम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे सो स्टूडेंट राइट इन कॉपी राइट प्रॉपरली एंड नीटली ओके चिल्ड्रेन होप अ गुड डे थैंक यू